नमस्कार, बोल्स्काई में आपका स्वागत है। आजकल कॉस्मेटिक वुल्वा सर्जरी यानी लेबियाप्लास्टी कराए जाने का प्रचलन जोर पकड़ रहा है, जिसमें योनि को रीशेप किया जाता है या छोटा किया जाता है। यह सर्जरी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करते हैं। यह सर्जरी आमतौर पर तब कराई जाती है जब महिलाओं को इसकी आवश्यकता होती है या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है। आमतौर पर कॉस्मेटिक सर्जन इस बात की सलाह नहीं देते, सिर्फ कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से ही सर्जरी कराई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जरी के बाद कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। मसलन महिलाओं को ब्लीडिंग हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जेनिटल एरिया में संवेदनशीलता कम हो सकती है। साथ ही आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इस तरह का ऑपरेशन आपकी नसों में ब्लड क्लॉट विकसित कर सकता है या एनेस्थीसिया दिए जाने पर आपका शरीर निगेटिव तरीके से रिएक्शन दे सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस सर्जरी से होने वाले जोखिमों के बारे में। इस तरह की सर्जरी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है इन्फेक्शन। इसके साथ ही बुखार, थकान, प्रभावित हिस्से में लालपन या सूजन दिखाई दे सकती है। यह भी मुमकिन है कि प्रभावित एरिया के टिश्यूज संवेदनशील हो जाएं, उस हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। इन्फेक्शन आपकी ब्लड स्ट्रीम तक भी पहुंच सकता है, जिससे आपको एक अन्य सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। कई बार लेबियाप्लास्टिक के बाद प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होता है या असहज महसूस होता है। लेबियाप्लास्टिक के बाद कुछ समय तक टॉयलेट करने में दर्द या परेशानी महसूस हो सकती है। यह योनि के एरिया में सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से होता है, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही होता है और 6 से 8 हफ्तों के अंदर यह दर्द ठीक होने की संभावना होती है। इसके साथ ही सर्जरी के बाद योनि के एरिया की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं समय पर लें ताकि आपको बाद में किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन अगर आप भी सर्जरी कराने जा रही हैं तो सही डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।